गाइस, आज नया कुछ करना है बाइक में, तो मैं सोचा कि क्या करूं। मेरे पास पहले से एक फॉग लाइट पड़ा था, तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी वीडियो में, अभी ये पहले के ग्राफिक में करा चुका हूं ड्यूक में। ये 125 है, कितने लोग को नहीं मालूम होगा, सोचेंगे कि 125 नहीं है, 200 है, लेकिन ये 125 है इसका ग्राफिक। मुझे एक फॉग लाइट लगाने का, क्योंकि हमारा प्लानिंग हो रहा है, हमें बाहर जाना है, मतलब कि राइड के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, इसमें ये फॉग लाइट पहले से मैं रखा था, इसके साथ एक स्विच भी है। ये स्विच है, तो सबसे पहले मुझे ये इसका ओपन करना है, क्योंकि इसमें ही इंस्टॉल करना है वो हेडलाइट, फॉग लाइट इसमें इंस्टॉल होगा। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. ये साइड इंस्टॉल हुआ है, सेम ये साइड भी इंस्टॉल करना है। From town to town. जैसा कि आपको मालूम है, इसमें पॉजिटिव दोनों एक साथ मिलाना है, और जो ये ब्लैक वाला है, ब्लैक को भी एक साथ इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद बताता जैसे अभी नेगेटिव नेगेटिव आपको एक वायरिंग डायग्राम दे दूंगा, डायग्राम के जरिए आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं कैसे कैसे आपको समझ में आएगा। वैसे इसका स्विच का वायर है, इसमें का एक वायर भी अगर किसी में कनेक्ट करते हो तो चलेगा। तो मैं पॉजिटिव में कोई भी वायर, कोई भी एक वायर कनेक्ट कर दो, उसके बाद क्या आपके बाद जो भी इसका एक वायर रहेगा, एक वायर को हम जो ये रहेगा इसको मैं हम पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे, और जो माइनस का ये जो ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर को हम किसी भी अर्थिंग में दे देंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं, टेपिंग करने के बाद इसका जो पॉजिटिव, इसका जो एक वायर है ये छोटा पड़ा था, इसके लिए हमें इसको एक्सटेंड कर दिए। इसका एक वायर ब्रेक के पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा। टर्मिनल में जाने के बाद जो ये इसका ये जो ब्लैक वाला जो आपको बताया था कि ये अर्थिंग जाएगा, तो अर्थिंग में जाने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद चलो आप देखो, इन्जॉय करो वीडियो को। अभी ये जो निकाला था इसको साइड में, इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं। अभी ये साइड का हो गया, तो गाइस बस ये वाला वायरिंग बाकी है, ये वायर इसमें कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको रिजल्ट दिखाते हैं।
सो गाइज यहाँ पे मैंने इसको वायर को फिट कर दिया है। ये ब्रेक का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो टर्म्स के यहाँ पे आप कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद आप इसको, ये जो इसका प्लग है, ये प्लग को इसमें लगा देने का, क्योंकि आप नहीं लगाओगे तो ब्रेक लगेगा नहीं, तो ये प्लग इसमें लगा देने का। सो गाइज अभी थोड़ा शाम का टाइम है, बट मैं इसको थोड़ा बाहर लेके आया गाड़ी को, और जो इसमें लाइट मैंने इंस्टॉल किया है, देख सकते हैं हम, फॉग लाइट इसमें इंस्टॉल है। इसका वायरिंग करके मैंने यहाँ पे इसका स्विच दे दिया। मुझे लेफ्ट में इसका इजी पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्सेलरेटर करूँगा, सॉरी ब्रेक रहेगा, तो मुझे इजी पड़ेगा इसको यूज़ करने में। इसके लिए मैंने इसका यहाँ पे ये स्विच लगाया, और यहाँ पे इसका पॉजिटिव का ये दिया। सो गाइज अगर मैं ये बटन ऑन करता हूँ तो ये देखिए दोनों लाइट जल रहा है, और पूरा फोकस तगड़ा आ रहा है। इसमें तीन पैटर्न है, ये ब्लिंकिंग का है, स्लो, एक लो बीम है और एक हाई बीम है। तो इसके ज़रिए मतलब नाइट में बहुत अभी अच्छा पड़ेगा मुझे, और फ्रेंड्स लोग अभी नया प्लान बना रहे हैं जाने के लिए बाहर, तो उसके लिए ये मैंने इंस्टॉल किया है। वैसे हेडलाइट तो ठीक था इसका, बट हेडलाइट से उतना नहीं दिखता, उतना वो नहीं क्लियर दिखता है, इसके लिए मैंने इसको इंस्टॉल किया, क्योंकि नीचे का रोड कवर नहीं कर पाता है, तो अभी ये साइड का भी पूरा कवर करेगा, इसके लिए मैंने इसको इंस्टॉल किया। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो, और फ्रेंड्स वीडियो देख के मत जाया करो यार, सब्सक्राइब तो कम से कम कर दिया करो।